नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद अब सभी को परिणामों का इंतजार है। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सभी 28 सीटों में जीत का दावा किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमने कल वोटिंग की समीक्षा की थी, हम सभी सीटों में पीछे नहीं हैं। प्रलोभन देने के बाद भी जनता बीजेपी के प्रति प्रभावित नहीं हुई। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 28 सीटें जीतेंगे। दावे के साथ हम लोग कह रहे हैं, क्या आश्चर्यचकित मत होना जब 28 सीटों पर कांग्रेस जीते। टिकाऊ टिकाऊ रहता है, दुकाऊ टिकाऊ रहता है, तो उसको देखते हैं क्या होता है। मध्य प्रदेश में